नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। अभिषेक बच्चन ने तलाक की अफवाहों को निराधार बताया है। पुष्टि करते हुए कहा है कि उनकी शादी ऐश्वर्या राय के साथ बनी रहेगी। उन्होंने मीडिया को चेताया कि उन्हें उनकी शादी पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी। इस बीच अभिषेक ने अपनी नई फिल्म आई वेंट टू टॉक का पोस्टर भी साझा किया है, जो 22 नवम्बर को रिलीज होगी। कई बार प्रोफेशनल डिग्री के बावजूद युवाओं के लिए नौकरी पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इंटरव्यू में सफल होने के लिए कंपनी का बैकग्राउंड जानें, अपने स्किल्स को स्पष्ट करें और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें। स्मार्ट सवाल पूछें और फॉलोअप करना ना भूलें। ये टिप्स अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा है कि भारत बैक ऑफिस आईटी लागत कटौती से फ्रंट ऑफिस एआई चालित नवाचार में खुद को फिर से स्थापित कर सकता है। उन्होंने अपने डेटा ऊर्जा और कंप्यूटर विज्ञान की विशेषज्ञता को भारत का मुख्य संसाधन बताया। हुआंग भारत में एनवीडिया की बड़ी उपस्थिति और स्टार्टअप्स की संभावनाओं से उत्साहित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को 78वें इन्फेंट्री दिवस पर भारतीय सैनिकों के साइंस, साहस और हिम्मत को सलाम किया है। उन्होंने इन्फेंट्री को ताकत और कर्तव्य का प्रतीक बताते हुए हर भारतीय को प्रेरित करने वाला कहा। इन्फेंट्री ने 1947 में जम्मू कश्मीर की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय नौसेना जल्द ही 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण करेगी, जिनमें अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक और लिथियम आयन बैटरी होगी। जर्मनी और स्पेन ने इस परियोजना के लिए अपनी पेशकश की है, जिसमें जर्मन कंपनी TKMS और स्पेनिश कंपनी नवंतिया शामिल है। निर्माण के लिए तकनीक ट्रांसफर की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 115वें एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट पर चर्चा की, जो एक नया साइबर फ्रॉड है। उन्होंने बताया कि ठग खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों के पैसे ठगते हैं। मोदी ने सतर्क रहने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की सलाह दी है, जबकि गृह मंत्रालय ने भी साइबर सुरक्षा के लिए उपाय साझा किए हैं। दिलजीत दोसांझ ने 26 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल लुमिनाती टूर की शुरुआत की, जहां दर्शकों ने उनके शानदार परफॉर्मेंस का आनंद लिया। कंसर्ट में तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने पॉपुलर गाने गाए। टिकटों की कमी के कारण कंसर्ट 3 दिन का नहीं हो सका, जबकि कार्यक्रम के कारण दिल्ली में जाम की समस्या भी उत्पन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के PM पेड्रो सांचेज ने बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जहां C-295 विमानों का निर्माण किया होगा। ये भारत की पहली निजी असेंबली लाइन है। 56 विमानों में से 40 टाटा बनाएगा और 16 एयरबस स्पेन से आएंगे। इस परियोजना से 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 115वें एपिसोड में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती मनाने का आग्रह किया। उन्होंने इन दोनों महान व्यक्तियों की साहस और दूरदर्शिता की चर्चा की और जनता से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर अपनी यादगार यात्रा का भी उल्लेख किया। विज्ञान स्नातक वसंत मुंगराने ने भारत का पहला फायर प्रूफ और हीट रेजिस्टेंट रेडी मिक्स प्लास्टर विकसित किया है। ये प्लास्टर हल्का और गर्मी अवरोधक व दीमक प्रतिरोधी है, जो आग से सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है। 1250 डिग्री तापमान तक प्रभावी रहने वाला ये प्लास्टर सामान्य प्लास्टर से 1/3 हल्का है और उसका उपयोग विभिन्न इमारतों में किया जा सकता है। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने भारत की टेस्ट सीरीज हार का कारण बल्लेबाजों के स्पिन गेंदबाजी को खेलने की कमजोरी बताया, लेकिन विराट कोहली को असफल मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दी, जबकि भारतीय टीम के स्पिनरों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। इस धनतेरस 24 कैरेट सोने की कीमत 8,046.3 रुपये प्रति ग्राम हो गई है, जो 700 रुपये की वृद्धि दर्शाती है। 22 कैरेट सोने का भाव 7,377.3 रुपये प्रति ग्राम है। चांदी की कीमत करीब 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। विभिन्न शहरों में सोने की कीमतें बढ़ी हैं, जैसे दिल्ली में 10 ग्राम का भाव 80,863 रुपये है। हाल के वर्षों में दीपोत्सव और अन्य आयोजनों ने मिट्टी के दीयों की परंपरा को पुनर्जीवित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से कुम्हारों की नई पीढ़ी इस पेशे में लौट रही है। सचिन प्रजापति और अन्य युवा उद्यमी माटी कला को आधुनिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के विभिन्न मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा किया है। उन्होंने ईरान इजराइल युद्ध पर सरकार की चिंता व्यक्त की और बांग्लादेश से घुसपैठ में कमी की जानकारी दी। साथ ही एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य और महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार के महत्व पर भी जोर दिया है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया, लेकिन मोहम्मद शमी को स्क्वाड से बाहर रखा गया है। हालांकि उन्हें दौरे पर भेजने की संभावना है यदि वे अपने फिटनेस साबित करते हैं। शमी रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले हैं और उनकी वापसी पर कप्तान रोहित शर्मा ने भी 100% फिटनेस की आवश्यकता जताई है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 को मंजूरी दी है, जिससे अग्नि सुरक्षा उपायों में सुधार होगा। अब अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की अवधि 3 वर्ष होगी और इमारत मालिकों को नियमित अनुपालन की पुष्टि करनी होगी। बिल में आग की रोकथाम के लिए सख्त प्रावधान और दंड भी शामिल है। OnePlus 13 का लॉन्च 31 अक्टूबर को चीन में होगा, जिसमें 6000 mAh की बैटरी, 100 वॉट फास्ट चार्जिंग और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट शामिल है। भारतीय वेरिएंट जनवरी 2025 में आने की संभावना है और कीमत करीब ₹77,000 होने का अनुमान है। फ़ोन का डिज़ाइन और कैमरा सेटअप भी टीज किया गया है। दिवाली से पहले कई लोगों के घर में साफ सफाई शुरू हो गई होगी। दिवाली पर घर की सफाई के दौरान निकले कबाड़ को बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कैसेफाई, जोलोपिक, स्क्रैप अंकल और ऑनलाइन कबाड़ी की सेवाएं उपयोगी हैं। ये प्लेटफॉर्म घर से कबाड़ उठाने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। स्थानीय कबाड़ी बाजार और रिसाइकिलिंग केंद्र भी अच्छे विकल्प हैं, जिससे आप कबाड़ की सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। एयरटेल ब्लैक 2 प्रमुख प्लान्स ऑफर करता है जो हाई स्पीड इंटरनेट और फ्री OTT सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। 1599 के प्लान में 300 Mbps स्पीड और ₹3,999 के प्लान में 1 GBPS स्पीड मिलती है। दोनों प्लान में अनलिमिटेड डेटा, फ्री इंस्टॉलेशन और ₹350 के TV चैनल शामिल हैं। साथ ही नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो और डिजनी प्लस हॉटस्टार का भी फ्री एक्सेस है। केंद्र सरकार ने 43 ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन को पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट के लंबित भुगतान के आदेश दिए हैं। 30% पेंशन बकाया और 25% कंप्यूटर इंक्रीमेंट का एरियर दिसंबर तक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रिटायरी कर्मियों को 50% पेंशन का लाभ भी मिलेगा, जिससे उन्हें ₹50,000 से ₹5,00,000 तक का भुगतान मिल सकता है। CNG वाहनों में आग लगने का मुख्य कारण गैस लीकेज, गलत इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की कमी है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या ओवर हीटिंग और चार्जिंग में खराबी से आग लग सकती है। दोनों प्रकार की गाड़ियों में आग लगने का खतरा है, इसलिए नियमित जाँच और सही रखरखाव जरूरी है। सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फिर भी सलमान ने अपने द बैंग टूर का ऐलान कर दिया है, जो 7 दिसंबर 2024 को दुबई में होगा। इस टूर में नए चेहरों के साथ सोनाक्षी सिन्हा, दिशा पटानी और तमन्ना भाटिया जैसे सितारे शामिल होंगे। सलमान ने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा किया है, जिससे उनकी सुरक्षा चिंताओं के बावजूद उनका उत्साह साफ झलकता है। TV एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने हाल ही में शादी का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी हल्दी सेरेमनी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने होने वाले पति सुमित सूरी के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। फैंस ने इन तस्वीरों पर तारीफों की झड़ी लगा दी है, जबकि सुमित भी एक अभिनेता हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अक्टूबर में महंगाई ऊंची रह सकती है, लेकिन इसके बाद नरमी की संभावना है। सितंबर में महंगाई दर 5.5% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे घरेलू बजट पर दबाव पड़ा। दास ने महंगाई को 4% पर लाने की महत्वाकांक्षी योजना की भी पुष्टि की है। क्रिप्टो करेंसी पर अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता की आवश्यकता भी जताई गई है। NTA ने JEE मेन 2025 में विकलांग उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उन्हें सामान्य 3 घंटे की परीक्षा के मुकाबले 4 घंटे तक का समय मिलेगा और एक स्क्राइब की मदद भी ली जा सकेगी। अतिरिक्त समय को प्रतिपूरक समय कहा जाएगा और ये प्रति घंटे 20 मिनट से कम नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। दिवाली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 7,000 से अधिक ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिससे 3,000 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर रेलवे 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा, जिनमें 2 वंदे भारत और 1 तेजस एक्सप्रेस शामिल हैं। पूर्व मध्य रेलवे भी 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी दे चुका है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कॉमेंट किया था उनके नाम है अभिमन्यु, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, राम बाबू दास आदि, तपसील आलम, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन,
नौसाद रजा, राहुल ठाकुर, मुकुंद कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए रोजगार का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।